दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए करंस टेक ट्यूब यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोज हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण चौधरी और आप देख रहे हैं करंस टेक ट्यूब। दोस्तों अगर आप मार्केट से वायरलेस माउस या कीबोर्ड खरीद के लाओ तो दोनों का कॉम्बो जो है वो 800 रुपए या उससे ज्यादा का मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को ही एक वायरलेस माउस वायरलेस कीबोर्ड की तरह कैसे यूज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमको सर्च करना है रिमोट माउस। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सबसे पहले जो रिजल्ट ओपन हुआ है एक माउस बना हुआ है ग्रीन कलर के पैटर्न के ऊपर और इसके पास में एक वाईफाई का आइकन भी बना हुआ है। तो 5 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे हैं और 4.1 इसकी रेटिंग है। तो फिलहाल मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। तो आप इस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपको एक वेबसाइट का लिंक आएगा जिस पर लिखा होगा www.remotemouse.net। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जब आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके आओगे तो आप इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो यहाँ आपको फिर से रिमोट माउस का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको क्लिक करना है गेट नाउ पे। इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आप एप्पल है तो आप मैक पे क्लिक कीजिए, अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो आप लिनक्स पे क्लिक कीजिए। तो हम फिलहाल यहाँ पे विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो हम विंडो पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपली इस जगह पे क्लिक कीजिए और ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 718 KB की ये फाइल है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो जब आप अपने लैपटॉप के अंदर रिमोट माउस का एक सर्वर डाउनलोड कर लोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको अपने मोबाइल के और अपने लैपटॉप के सेम वाईफाई के साथ में इस रिमोट माउस को कनेक्ट करना है। तो जब आप अपने वाईफाई के साथ में कनेक्ट हो जाओगे तो आपको इस तरह का आपके लैपटॉप का नाम और उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है अपने इस आईपी एड्रेस पे। तो जब आप क्लिक कर दोगे आपका लैपटॉप और मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे और आपका मोबाइल जो है एक माउस की तरह काम करने लगेगा। दोस्तों वर्किंग बताने से पहले मैं इसमें सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग बता देता हूं। तो सबसे पहले आपका हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए क्योंकि आपके हॉटस्पॉट से ही आपका लैपटॉप जो है वो कनेक्ट होगा। तो इसके लिए आप अपनी सेटिंग में जाइए और पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिए। और इसके अलावा जब हम रिमोट माउस के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे पैनल देख सकते हैं और पैनल के अंदर जो भी यहाँ पे गेट लिखा हुआ है तो ये सारे फीचर जो हैं वो प्रीमियम फीचर हैं। अगर आप इन फीचर्स को यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन फंक्शंस को यूज कर पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमको माउस और स्विंग मोड बटन जो है वो फ्री दिए गए हैं और आपका पूरा लैपटॉप जो है वो सिर्फ माउस से ही कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा चलते हैं सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर सबसे पहले आपको वॉल्यूम बटन कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है या कोई वीडियो प्ले हो रही है तो आप उस वॉल्यूम को अपने मोबाइल के वॉल्यूम बटन के साथ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद में टच पैड वाला ऑप्शन मिलेगा, इससे आप अपने फिंगर मूवमेंट की ट्रैकिंग सेंसिटिविटी को घटा या बढ़ा सकते हो। अगर आप इस स्केल को फास्ट की तरफ ड्रैग कर दोगे तो आप जब भी अपने मोबाइल पे टच करोगे तो आपके लैपटॉप में कर्सर जो है वो एक स्पीड के साथ में मूवमेंट करेगा और स्क्रॉलिंग स्पीड का भी सेम वही प्रोसेस है। अगर आप इस स्केल को फास्ट की तरफ ड्रैग कर दोगे तो स्क्रॉलिंग जो है वो फास्ट वे में स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप इसको स्लो की तरफ ड्रैग कर दोगे तो स्क्रॉलिंग जो है वो स्लो होना स्टार्ट होगी। इसके अलावा आपको कुछ शॉर्टकट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दो फिंगर्स के साथ में क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप के अंदर एक सेकेंडरी क्लिक का कमांड जाएगा और अगर आप अपनी स्क्रीन पर दो उंगलियों के साथ में स्क्रॉलिंग करोगे तो आपके लैपटॉप में स्क्रॉलिंग वाला पार्ट जो है वो स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर पिंच करोगे दो फिंगर्स के साथ में तो आपकी विंडो जो है वो जूम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये फंक्शन सिर्फ मैक यूजर्स के लिए है, विंडो यूजर्स के लिए नहीं है। और उसके बाद आता है मूव ए विंडो। तो इसमें अगर आप किसी विंडो पर डबल क्लिक करोगे और उसको होल्ड करोगे तो आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर पहुंच जाओगे। सबसे लास्ट में आता है नेचुरल स्क्रॉलिंग।
तो ये तो सिर्फ नेचुरल स्क्रॉलिंग है, जैसे कि आप अपने लैपटॉप के टच पैड पर नेचुरली स्क्रॉल करते हो उस हिसाब से। और इसके बाद आपको वॉलपेपर चूज करने के ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर चूज कर सकते हो बैकग्राउंड में। और अगर आप वॉलपेपर नहीं चूज करना चाहते, आप अपने इमेज चूज करना चाहते हो, तो सिंपली गैलरी पर क्लिक कीजिए और वहाँ से कोई भी आप एक इमेज सेलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड में फिट कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉटम में सबसे पहला शॉर्टकट है कीवर्ड का, तो यहाँ पे आप जो भी कमांड टाइप करोगे वो आपके लैपटॉप के अंदर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये है मीडिया रिमोट, इसके लिए आपको प्रीमियम मेंबर बनना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा विंडो वाले ऑप्शन, जो भी आपके लैपटॉप के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होंगे वो सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, आप अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से ही कमांड देके शट डाउन कर सकते हो, स्लिप मोड में डाल सकते हो, लॉग ऑफ कर सकते हो और रिस्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो थे इसके कुछ फंक्शंस। तो दोस्तों इसमें हम कुछ कमांड देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे मैं अपनी फिंगर को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसी तरह से जो कर्सर है वो भी स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो काफी अच्छी है, काफी अच्छे से ये कंट्रोल हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने एक ब्राउजर पे, तो सिंपली ब्राउजर पे क्लिक कीजिए, तो इस तरह से आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो अगर हम फेसबुक पर जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग पार्ट है ये, तो आप इसको अगर स्क्रॉल करना चाहते हो तो आपको सिंपली कुछ इस तरह से टच करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल जो है वो आसानी से हो रहा है। और दोस्तों अगर इसमें आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कीबोर्ड में जाइए, कीबोर्ड में यहाँ से टाइप कर दीजिए कुछ भी, जैसे करंस टैग ट्यूब, इसको सर्च कर लेते हैं। और जो भी रिसेंटली सॉफ्टवेयर आपने ओपन किए हुए हैं वो भी आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बैंडीकैम को ओपन किया हुआ है और क्रोम ब्राउजर, फिल्मोरा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आप देख सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।